न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी, सुधा हेल्थ केयर, जस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, अंडाल के माधवपुर में 7 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझी। पड़ोस की एक महिला ने पत्थर मारकर की थी उसकी हत्या। लाश छुपाने में सहयोग करने वाले महिला समेत और 3 लोग गिरफ्तार। काली पहाड़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक युवक घायल। पिछले साल की बाढ़ को देखते हुए आसनसोल रेल पार में गरुई नदी के खुद सफाई में उतरे स्थानीय लोग। नगर निगम पर लगाया सफाई नहीं करने का आरोप। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा ने भी कसा तंज। किंतु आज के कोटी कोटी टाका जे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आसे से टाका गुलो कोथाय जाच्छे। बीते 6 जुलाई को अंडाल थाना क्षेत्र के काजड़ा माधोपुर ग्राम के 7 वर्षीय सौरभ बावड़ी नामक एक बच्चा खेलते समय लापता हो गया था। 4 दिन बाद उसकी छत विक्षिप्त शव पुलिस ने घर के पास एक जंगल से बरामद किया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी कर सजा देने की मांग की गई। इस हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बुधवार की रात इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान यशोदा बावरी, उमेश बावरी, रोहन बावरी और गणेश बावरी के रूप में हुई है। उमेश बावरी दामाद है जबकि यशोदा बावरी और गणेश बावरी सास ससुर एवं रोहन बावरी साला है। गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने इन आरोपियों को 10 दिन के रिमांड की मांग की है। सूत्रों के अनुसार 6 तारीख को सौरभ अपने हम उम्र दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था। उस समय सौरभ यशोदा बावरी को परेशान कर रहा था जिसके कारण गुस्से में यशोदा बावरी ने सौरभ को ईंट फेंक कर मारी जिससे सौरभ जमीन पर गिर पड़ा। डर कर यशोदा बावरी सौरभ को अपने घर ले गई। वहां वह बच्चा को होश में लाने की कोशिश की। बाद में उसे पता चला कि बच्चा मर चुका है तो उसने अपने दामाद उमेश बावरी को यह बताई। फिर उसने अपने पति गणेश बावरी को भी इस हादसा की जानकारी दी। सभी लोग मिलकर शव को घर में छिपा दिया। 9 जुलाई की रात मौका पाकर शव को उन लोगों ने झाड़ी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया। शव बरामद होने के बाद बावरी समाज कल्याण मंच के द्वारा थाना का घेराव कर हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई। बावरी समाज कल्याण मंच ने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। यदि हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे लोग राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध करेंगे। लेकिन पुलिस को अहम सुराग मिल गया था जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बच्चे की हत्या क्यों की गई इस पर पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इस दिन गिरफ्तार किए गए लोगों को दुर्गापुर महकमा कोर्ट में पेश किया गया। अंडाल थाने के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के लिए 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था मगर न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान 7 दिनों का रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। ये बच्चा मारा गया था पोस्टमार्टम जो पठा लगा ऑटोपसी जो ऑटोपसी तो रिपोर्ट इसी तरह पा गई थी तो माथा आघात दिए एक ही आघात अच्छे माथा आघात दिए बच्चाटा मृत्यु से मृत्यु हो तो इसीटा जे जाके धरे यशोदा बाबा सीटा जो कथा बोलिए तरह मिले गे ईट दिए मेरे से वही एक ही आघाते बच्चाटा अचे फिर गेलो मारा गे এর সাথে যেদিন আমরা সবটা 10 তারিখে পাওয়া গেছিল তখন দেখা গেছিল কিছু হাত পাওয়াতে ইঞ্জুরি ছিল, হাত ছিল না পাটাই ছিল না, সেটা আমরা ডক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম যে এটা অফিসার যারা আছে তারা বললো এটা কোনো কাটা ইয়ে নেই, অনেকে কোনো জিনিস দিয়ে কেটেছে বা শার্প কাটিং এতে কেটেছে সেটা নেই, সেটা হতে পারে যেহেতু বডি অনেকক্ষণ ওখানে পড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে কেউ পশু বা কেউ জানবার এটাটা খেয়েছে বা এটাকে ডিস্টার্ব করেছে সেটা আমরা পেয়ে গেছি মানে মোটামুটি মানে এটা কোনো হাত কাটা বা পা কাটা সেরকম নেই কিন্তু একটা বাংলায় একটা কথা আছে যে 7 দিন কাজ চোর 1 দিন ধরা পড়ে তা কিন্তু প্রশাসন কিন্তু প্রমাণ করে দিচ্ছে আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে আর আগামী দিনও থাকবেন তবে প্রশাসনকে এই বার্তাটা দেবো যে আপনারা একটা সক্রিয় এম্পর প্রথম দিক থেকে কাজটা শুরু করবেন যাতে এত সময় না লাগে আর কোনোদিন কোন রকম মায়ের জন্য সন্তান এইভাবে না হারিয়ে যায় আমি মহামান্য আদালতের কাছে এটা আশা রাখবো ওনাকে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেবো। 4 জনা যে ধরা পড়েছে 4 জনা কি আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিবারটাই ছিল, তার মধ্যে সবাই ছিলেন, যখন পরিবারটা ছিলেন মানে সবাই ছিলেন, বাড়িতেই থাকছিল সবাই? হ্যাঁ বাড়িতে থাকছিল, বাড়িতে থাকছিল, বাড়িতে থাকছিল কিন্তু পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে পুলিশের সেটা শক হয়েছিল, পুলিশ সেটাকে মানে সক্রিয়ভাবে ইনভেস্টিগেশন করার পর আর কালকে তাদেরকে মানে অ্যারেস্ট করার পর আজকে আদালতে।
आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत काली पहाड़ी स्थित सिद्धू कानू बस स्टैंड के समीप एक जमीन विवाद को लेकर जमीन क्रेता और जमीन मालिक के बीच झड़प हो गई, जिसमें जमीन मालिक लक्की राम बास्की का आरोप है कि डॉक्टर एन सोरेन उसका जमीन हड़पना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं डॉक्टर एन सोरेन ने कहा कि वह दलाल के चक्कर में पड़कर यह जमीन लिए थे, जिसका पैसा उन्होंने लक्की राम बास्की को दिया है, मैं अपना पैसा वापस मांग रहा हूं, तो वह पैसा नहीं लौटा रहा है। वहीं एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि कुछ लोग यहां बैनर टांग कर इस जमीन को कब्जा करना चाहते थे, जिसका विरोध जमीन मालिक लक्की राम बास्की ने किया, तो उसके साथ मारपीट की गई। यह घटना की सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मामला शांत करवाई। গুন্ডাগিরি করলো, মারামারি করলো, আমাকে মারামারি করে কত লোক ডাকলো এখানে, সব তো দেখা পাচ্ছি, আপনাকে সব ডাক্তার লোক, সব ইন্দ্র সরেনের লোক। कोथाकर कोथाकर इधर का जो जमीन का प्रॉब्लम है, ये 2019 से हमारा से पैसा लेकर ये बिल्डिंग को खड़ा किया है और जो पूरा की पूरा यह है और जमीन को देने के लिए, लेकिन बाद में देखा गया कि जमीन हमको नहीं दिया गया है और हमको टोटली बोला है कि ये जो कोर्ट में साइन हुआ था ना कोर्ट का पेपर में, वो बोला कि वो अस्वीकार किया है, उसके हमारे पैसे से पूरा की पूरा जमीन का जो बिल्डिंग जो बनाया है उसके बाद गेट बनाया है और उसके बाद हमको टोटली उसको अस्वीकार किया है कि जमीन नहीं देंगे, इसीलिए हम लोग आज इधर आया है कि हमारा जमीन नहीं चाहिए, हमारा जो पैसा लिया है वो लौटाना होगा, नहीं तो ये जो ये है मामला है हम लोग छोड़ने वाला नहीं। किसने पैसा लिया था? पैसा लिया था कालीचरण एंड लक्ष्मीराम, दोनों लिया है। किसके नाम से जमीन है? जमीन है उसको, किसी का नाम पे जमीन नहीं है। हाँ। जमीन है पूरा खास का जमीन है, वो फ्रॉड हमको दिखा कर हमारे पास पैसा लिया है, उसका जमीन है लक्ष्मीराम का भी जमीन नहीं है, ये पूरा दलाल का चक्कर में आके वो अपना नाम पे लिखाया है, वो पूरा फैमिली का जमीन है, वो रॉन्ग स्टेटमेंट देके मजिस्ट्रेट के पास रॉन्ग स्टेटमेंट देकर अपना नाम पे जमीन उठाया है, जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल जो उसका जो भागीदार है वो लोग के लिए हम लोग जमीन बीएलआर ऑफिस में जमा किया है कि उसके नाम पे निकल जाए, ये लोग सब दलाल लोग इधर आके उन लोगों को मोटिवेट कर रहा है और इसको हमारा पैसा नहीं लौटाने के लिए बोल रहा है। आसनसोल नगर निगम के 83 नंबर वार्ड के टीएमसी नेता मोहम्मद निहाल उर्फ बादशाह ने गुरुवार को एआईएमआईएम में शामिल हो गए। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला एआईएमआईएम अध्यक्ष दानिश अजीज ने अपनी पूरी टीम के साथ मोहम्मद निहाल का पार्टी में स्वागत किया। मौके पर दानिश अजीज ने कहा कि आज मोहम्मद निहाल ने टीएमसी छोड़कर एआईएमआईएम का दामन थामने का जो फैसला किया है वह उनका स्वागत करते हैं। अच्छा पार्टी है और हम लोग को शुरू से करने का चाहत था एमआईएम को, और हम लोग के जो लीडर हैं जो हम लोग का एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बहुत बहुत मतलब हम लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि हर चीज़ के लिए जायज़ नाजायज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए हम एमआईएम ज्वाइन किए। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क शुद्ध सोना और जीआई के सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को सवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को सवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। अलेक्सा, टर्न ऑन माय कार्स एसी। Bye.
Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। सोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिस्ट कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बी एन घाटी, जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 52 नंबर वार्ड की तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा गुरुवार को शहीद दिवस का पालन किया गया। इस मौके पर शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शहीदों को याद की गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि शारीरिक अवस्था या जरूरी कार्य के कारण जो कार्यकर्ता शहीद रैली में कोलकाता नहीं जा सके, वे लोग यहां ही शहीद दिवस का पालन किए। उन्होंने कहा कि आज की जनसभा ऐतिहासिक जनसभा है। इस जनसभा ने पूरे देश को संदेश दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को कितना प्यार करती है। ममता बनर्जी एक जुझारू नेत्री है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार नहीं रहेगी। 2024 में ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री होंगी। यदि वक्त देवें जो हमारा 2024 दिल्ली ते माने बीजेपी के उत्खात करते हैं, दिल्ली ते हमारे दीदी बसबे एवं तृणमूल सारा भारतवर्ष के चलावे, एटाई हमारा बार्ता दीते चाहिए एवं तार जन्य समस्त कर्मीरा जीवन दीते प्रस्तुत। अपने नाम? আমার নাম দিলীপ কুমার মাঝি। इक्कीस जुलाई को शहीद दिवस रैली के अवसर पर आसनसोल सिटी बस स्टैंड के कई बसें तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किराए पर ले लिया गया, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि ऑटो टोटो वालों की चांदी रही। गुरुवार को आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर यह नजारा देखने को मिला। अन्य दिनों की तुलना में कम संख्या में बसें चली, क्योंकि तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आसनसोल सिटी बस स्टैंड से चलने वाली बसें ले ली थी। আমি যাব তো আবার আমার কাজ করে এখান থেকে আবার কলকাতা ফিরব, তো সেখান থেকে যখন এখানে আসি তো প্রচণ্ড ভিড়, মানে বাসও তো কম, টোটো মোটো অটো ধরে চলে এলাম। আর আবার ফেরবার সময় চিন্তা, এখন অনেকগুলো বাসই নেই শহরে যাওয়ার বাসগুলো, যেহেতু আজকে 21 জুলাই, তো যার জন্যে এই বাসগুলো অনেক সব গ্রাম থেকে শহরে সব চলেই গেছে প্রায়, তুলনামূলকভাবে কম বলে যেতে একটু অসুবিধা হবে, আর দেখা যাক কখন বাস পাই। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाए जाने पर आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने जमकर तंज कसी। इस घटना में मारे गए परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर बरसी। आइए सुनते हैं कि अग्निमित्रा पाल ने शहीद दिवस को लेकर क्या कुछ कहा। शहीद दिवस ना डिम भात खावार दिवस, शहीद दिवस ना पागलू नाच करार दिवस, शहीद दिवस जे 13 जन मारा गेछिलो सेई कमिशनेर रिपोर्ट एखोनो बेरोलो ना केनो? 11 বছরটা কেটে গেল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলবো, 11টা বছরে এই যে কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার কথা ছিল, শাস্তি হওয়ার কথা ছিল, সেটা কি হয়েছে? আজকে কোটি কোটি টাকা খরচা করে শহীদ দিবস মানানো হচ্ছে, কিন্তু সেই 13টা পরিবারের, সেই 13টা ছেলের পরিবার এখনও অবধি জাস্টিস পায়নি। তাদেরকে 25 লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, 5 লক্ষ টাকা এখনও অবধি পেয়েছে। 11টা বছর কেটে গেছে, তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো রাজনীতিটা অন্তত এই সব বিষয় নিয়ে করবেন না, এই নিকৃষ্টতম রাজনীতি। আর প্রথমত এটা ওনার ইস্যুও নয়, উনি এটা হাইজ্যাক করে নিয়েছেন, যেরকম সব কিছু উনি হাইজ্যাক করেন, রেলওয়ের মেট্রো খুলছে সেটা উনি হাইজ্যাক করতে চেষ্টা করলেন যে উনি নাকি করেছেন, হুগলির ওখানে ব্রিজ হচ্ছে, আমাদের কেন্দ্র সরকার ব্রিজ বানাচ্ছে, উনি বলছেন উনি নাকি করছেন, তো এটা ওনার ইস্যু নয়, এটা কংগ্রেসের ইস্যু। তখন উনি যুব কংগ্রেসে ছিলেন,
কিন্তু উনি হাইজ্যাক করতে ওস্তাদ, উনি হাইজ্যাক করে নিয়ে নিলেন, এখন বলছেন ওটা ওনাদের শহীদ দিবস। শহীদ দিবস হোক যাই হোক, অন্তত এই ১৩টা মানুষকে তো বিচার দিন, তাদের পরিবারকে তো বিচার দিন, কিন্তু সেই বিচার তারা পায়নি আর নাই তারা টাকা পেয়েছে। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम, डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इको कार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी, हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी, जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड, रानीगंज। आसनसोल नगर निगम के द्वारा गारुई नदी को साफ कराने का कार्य बरसात के कारण बंद कर दिया गया है, लेकिन पिछले साल की गारुई नदी में कृत्रिम बाढ़ की विभीषिका को याद कर आम नागरिक गुरुवार को स्वयं नदी में उतरकर सफाई कार्य करना शुरू किया। इसको लेकर आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने आम नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि यह कार्य आसनसोल नगर निगम के द्वारा बरसात से पहले खत्म करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ। अमित के शुभेच्छा जानाई যে তিনি আজকে এই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে নিজেই করতে শুরু করেছেন, কিন্তু আজকে কোটি কোটি টাকা যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আসে সেই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? সেটা তো মেয়র সাহেবের টাকা নয়, কমিটিরও টাকা নয়, টাকাগুলো হচ্ছে আমার আপনার টাকা, ট্যাক্সের টাকা। তাহলে সেই টাকা দিয়ে গারুই নদীর যে পরিষ্কার হওয়ার কথা ছিল তো সেইগুলো হচ্ছে না কেন? কেন আজকে এইসব মানুষকে নিজে নালীতে নদীতে নেমে পরিষ্কার করতে হচ্ছে? কিন্তু এইভাবেই তো চলছে, আসল যেটা কাজ হবার সেটা হচ্ছে না। কালকে আমি গেলাম সাগরে, সেখানে আপনারা দেখেছেন বোধহয় বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে গেছে, বন্যা, এখনো বৃষ্টি পড়লো না, সেইভাবে বর্ষা এলো না, কিন্তু মাটির বাঁধ বানাচ্ছে। প্রতি বছর তৃণমূল সরকার মাটির বাঁধ বানাচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচা করে সারা সুন্দরবন এলাকাতে, বৃষ্টির সময় ঠিক বর্ষাকালের সময় বাঁধ ভেঙে চলে যাচ্ছে, আবার করে টেন্ডার ডাকো, আবার করে কোটি কোটি টাকা আসবে, আর তৃণমূলের নেতৃত্বের পকেট গরম হবে। এখন আমি যাওয়াতে আমাকে কালো পতাকা দেখাচ্ছে। তো এইভাবেই চলছে রাজ্য, তারা চুরি করবে আমাদের টাকা দিয়ে, আমাদের ট্যাক্সপেয়ারের টাকা চুরি করবে, তারা মানুষের জন্য কোনো কাজ করবে না। আর যদি প্রতিবাদ করতে যান সাধারণ মানুষ হলে আপনাকে কেস দেবে, পুলিশে তুলে নিয়ে যাবে, আর আমার মতো যদি নেতৃত্ব হয় তাহলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখাবে। गौरतलब है कि एक दिन पहले अग्निमित्रा पाल सुंदरबन इलाके के सागर में बांध का निरीक्षण करने के लिए गई थी, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें काला झंडा दिखाया गया और गो बैक का नारा लगाया गया। इस पर भी अग्निमित्रा पाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में उसकी शाखाओं द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आसनसोल में मारवाड़ी युवा मंच सिटी शाखा और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार को एक रक्तदान शिविर लगाया गया। यह रक्तदान शिविर रहा लेन स्थित श्री श्याम मंदिर प्रांगण में लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के सदस्यों के साथ ही कई अन्य लोगों ने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया। कुल 51 लोगों ने रक्तदान किया। इसमें मारवाड़ी युवा मंच की अनंता शाखा की भी सदस्य शामिल है। रक्तदाताओं को क्लब के अध्यक्ष सुदीप अग्रवाल, सचिव संदीप दारुका, पूर्व अध्यक्ष अभिषेक केडिया, कोषाध्यक्ष अंकित अग्रवाल, रक्तदान संयोजक रोहित अग्रवाल और अतिथियों ने सर्टिफिकेट प्रदान किए। अनंता शाखा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के इस वर्ष यह दूसरा रक्तदान शिविर है, जैसा कि इसके अध्यक्ष सुदीप अग्रवाल ने न्यूज प्रहर को बताया। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज हम लोग ने श्याम मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रक्तदान अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। 365 दिन रक्तदान शिविर करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अभी तक 90 दिनों के अंदर में 300 से बेसी शिविर पूरे भारतवर्ष में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा किया जा चुका है और 75,000 यूनिट रक्त संग्रह करने का बीड़ा उठाया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति बराकर एवं मेडी क्लिनिक द्वारा एक दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन हनुमान चढ़ाई स्थित मेडी क्लिनिक में किया गया, जिसका उद्घाटन फीता काटकर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा किरण अग्रवाल ने किया। कैंप में नेत्र जांच विशेषज्ञ डॉक्टर अभि रूपा घोष ने आए मरीजों के आंखों की जाँच की। इस अवसर पर महिला समिति की अध्यक्षा किरण अग्रवाल, बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सी कुमार अग्रवाल, सचिव किशन दुधानी, रामेश्वर भगत, मारवाड़ी महिला की सचिव हेमलेखा अग्रवाल, रीता चौबे, पूनम अग्रवाल, ट्रेजर मीना मस्करा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कैंप में 300 से अधिक मरीजों को देखा गया। या क्या मरीजों को जो जिसका प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेशन भी किया जाएगा क्या? आज चेकअप करवाया जाएगा, एक बार जो पास उसका चेकअप किसी को ऑपरेशन चाहिए डॉक्टर। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स,